नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। तो हमेशा जन में तो ठीक छो, तो आप लोग कंचो, उम्मीद करो आप लोग भी ठीक ठाक वेला, राजी खुशी वेला। तो जन के आप लोगों को तो पता ही है कि उत्तराखंड में हमारे पावन धरती छो और यह हमेशा छोटा बड़ा देव कार्य होने लगे रहे दिन। तो आप भी छो में ठीक जानो छो, तो ये पौड़ी सतपुली हाईवे यानी पौड़ी सतपुली मोटर मार्ग छो। तो मैं अभी खड़ो ही छो कमंदा देवी में और खूबसूरत सी वो गेट छो माँ कमंदा देवी को। तो आज इना तरफ कुछ प्रोग्राम वगैरह छे, भंडारा वगैरह थे, चलो रास्ता जानो इना तरफ। तो आज आप थे इना की सैर करान, तो चलो चलता जाओ। तो इना तरफ आज लगे चढ़ा चुटा घाम और रास्ता जानो इना तरफ, तो चलो धीरे धीरे चना रोला। हाँ, तो पैदल पैदल चलो छा इना तरफ, दिखे म्यूलो का दानी। हाँ, अभी पका नहीं छे ना, जब पकदा छे तो ये भी खूबसूरत स्वादिष्ट फल होंगे, लेकिन कम लोग खाते नहीं एक गढ़वाल में, लेकिन मैं तो खूब खान ये म्यूल थे ना। तो ये रास्ता मारने लगे छो और दगड़म आपसे मकान वगैरह एक हम दिखाने वाला। तो यू गांव जो छो, यू गांव छो नौगांव और नौगांव की देवी छः कमंदा। तो जना आप आज ले जाना छो, रास्ता ही नहीं छो, तो चना रोला धीरे धीरे। तो फाइनली पहुंच गए हम माता रानी के द्वार, और मंदिर कुछ ये प्रकार से बहुत ही खूबसूरत और प्यारो मंदिर छ। और ध्वजा निशान आप देख सकते हो, काफ़ी लंबी ही देखो ये ध्वजा निशान छ। तो जात एक ब्याह लागे छ और आज एक भंडारा छ, और भंडारा हो शाम 4 बजे के बाद आप भी दर्शन कर सकते हो माता रानी का। तो ये जो मंदिर खूबसूरत मंदिर छ, मंदिर प्रांगण जो छो नौगांव के ठीक किनारे पर बस्यूँ, और खूबसूरत ही ना तरफ पिछले नया नदी बोगे देख, तो नया के किनारे पर खूबसूरत माता रानी का दरबार। तो आज एक पहुँचा तो ब्याह लेख जाता गया छाई, प्रतिवर्ष यही टाइम पर लगभग नौगांव बैठे एक जात आँधी। तो अभी भक्तजनों का आने में काफ़ी समय से टाइम छ, लेकिन एक खूबसूरत से मंदिर और चकम शिवालय, तो उना तरफ जो वाला, तो उना के दर्शन में आप थे भोलनाथ जी करा दिन के लिए माता रानी का दर्शन होगी, तो हम भोलनाथ भी जरूर छीन। तो चलो उना तरफ चलता। तो शिवालय को और जाने लगे छाई दिन, देखो खूबसूरत से हम जल भी घृणी आते दिखे हुए जन हमारे कौतिकम हो देखो, इन अपराध भी ढकाई से भेजी का है ना। तो इन तरफ अच्छा, तो कितना कितना हो क्या बोल देने कौन खमीरा क्या कितना किलो बनाया था आज? आज का तो 15-20 किलो बने हैं। 30 अच्छा 30 किलो हैं। तो आपका नाम जान जोल में हैं? नाम आपक जगदीश सिंह। जगदीश सिंह गांव योज मलेटी। मलेटी है, चलो बढ़िया। कार्यकर साहब आपका नाम क्या है? हाँ जी, नंदराम। तो इन तरफ और भाई साहब लोग जुड़ गए, तो भाई नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम जोड़ जी। मैं पाथी राम जी। अच्छा, क्या गाँव का? नौ कमंदा। अच्छा, नौ गाँव कमंदा जी, जी जी। चलो तो कन चलो भंडारा वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है साहब वहाँ पे, मतलब पूरा व्यवस्था बना रखी है। हाँ। ठीक, 300-400 लोगों की हमने व्यवस्था बना रखी है। चलो बढ़िया बढ़िया। एक ताऊ जी, ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या नाम है आप? मैं चंद्र प्रभाव बोठियाल। अच्छा, बोठियाल जी साहब है। हाँ जी। गाँव को चाहा नौगा कमंदा। तो माता रानी दर्शन करने बाद आप पहुंच गए हम ठीक भोले बाबा के दरबार में। और ये जो मंदिर छ, ये शिवालय छ, ये एकदम कत्तूरी शैली में बढ़ू जो आप थे एक बार दिखा दें। तो ये छो पूर्व शिवालय के मंदिर प्रांगण, और ये शैली जो मैंने आपसे बताया था कि कत्तूरी शैली में बढ़ू, जन की हमारे तुंगनाथ केदारनाथ वही शैली में यूँ पूर्व मंदिर बनी हुई क्षेत्रकोण, काफ़ी खुशी की बात है। और ये जो मंदिर प्रांगण छो पेपर डालक जो पेपर डाल जो बीचों बीच में, अभी आप थे बेहतर दिखाओ लो तब आप थे दिखाल, लेकिन आप भैर बैठे मंदिर खूबसूरती देख लो, बहुत ही खूबसूरत अलौकिक। तो मंदिर का डिज़ाइन में आप दिखा दें कि जो हमारे गाड़ा गाँव लौट दें ये एक बीच में अलग से एक पत्थर आन, तो ऊँची चीज़ हमारे डिज़ाइन करके आप देख सकते हो। और खूबसूरती ये मंदिर बहुत ही प्यारी और अलौकिक। तो इन तरफ भंडारा वगैरह बिछन हो, इन तरफ नंदी विराजमान छीन, और भीतर आपसे दिखा छो मैं यो जो मंदिर प्रांगण भीतर का देख सकते हो। यो जो पेपर डाल खूबसूरत सी, और ये तो कटे नहीं गया है, बल्कि ये एक भीतर मॉडिफाई करे गया जाको। ये जो लिंग और ये जो शिवालय बहुत ही खूबसूरत, भोलेनाथ तक मई मतगढ़ आप जयकारा लगा सकते हो, हर हर महादेव। और अपने परिवार, संपूर्ण परिवार और समस्त पृथ्वी को आप शुभकामनाएँ मांग सकते हो, इन तरफ भी माँ गौरा वगैरह। तो ये शिवलिंग का खासियत यह है कि अब आप देख सकना चो यू हल्को हल्को ग्रीन कलर रख, लेकिन यू तब छ कि जब तक ये अभिषेक नहीं हों, जब ये अभिषेक से पहले हों तो यू कालो कलर रखूँ, लेकिन जननी हम यहाँ घी दूर से अभिषेक कर दो तो ये कलर कुछ ये टाइप का हो जाए। तो ये खासियत है शिवलिंग का। हाँ।
तो कौत है थोड़ा थोड़ा खरेण फरा है, लेकिन रंगत अभी भी कम नहीं हुआ है, देख सकते हो आप। कोई का किचुई लगाणो, कोई कुछ मुलियाणो, कोई इना तरफ अपने खेरे एक दिन लगाना चाहिए। देखो इना तरफ यू देखो साहब, काफ़ी साल बाद लोग मिल देने तो इन कौत में मिल देने, खूब छुई लगाना चाहिए। देखो इना और इना तरफ बच्चा लोग हमारा जितना भी युवा शक्ति वयस्क जिन्हें देखो फर्स्ट क्लास आइसक्रीम और कौन। तो कौत कमजन हो दीजिए कि चले बिग दिन इना तरफ दिए लोग चाहिए दी। नमस्कार कानूनी सॉफ्टी, अच्छा ये हर जगह इन तरफ दी सॉफ्टी खाने दी। नमस्कार नमस्कार, कानूनी सॉफ्टी खट्टी की मिट्टी अच्छी होनी अच्छी। अच्छा का जो बाजार का ना 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 ये का कहते अरे तो इन तरफ एक दी और छनी ये भी आनंद लेना जी सॉफ्टी का दी। नमस्कार नमस्कार, तो की नाम है आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी डोबरिया। अच्छा डोबरिया का छ के गांव का? ये का कहे छ हम नौ गांव का कमंदा। अच्छा नौ गांव का। चलो तो खूब मतलब देवी प्रसन्न कर दिया तुमने। प्रसन्न तो पहले एक बलि पड़ता था, अब बंद हो गया? हां बंद हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी की मतलब बलि पड़ता बंद हो गया है ना, होनी चाहिए जा होनी चाहिए। सही बात है कि गलत है? ना ना सही बात, सही बात। और बच्चा बच्चा आया छे को देखो? हां मेरे बच्चा पाणा छे ना। अच्छा काका का का? जय रे खाल। अच्छा जय रे खाल, चलो बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा जी। अच्छा कृष्णा आगे कृष्णा भट्ट। अच्छा भट्ट अगड़ो लाइन छे छे थोड़ी बहुत आंच, थोड़ी बहुत आंच। बंडी नहीं आंदी? ना ना किले मी कोशिश करनु छो कि याद हो जाए, पर याद नहीं होनी छे मिथे। अच्छा याद नहीं करण वे तो आपण जीवन में उतरण ठीक छे? हां ना ना मी करनु छो याद, पर होनी नहीं छे। अच्छा कोशिश कोशिश करनी छे? हां करनु छो। तो एक दिन में कतो घंटे कर दी कोशिश बोला? दो दो घंटे ना? दो घंटे लेख लेके करण ना। हां ठीक छ। हां और जो तो गड़ो लिया ना जो भेट देस रहे तुम का करन दो? हम हां हम भोपाली छ। अच्छा सुरमा भोपाली? हां हां भोपाली। चलो बड़े कितना पढ़ना जो तुम? मी छठवी पढ़ना जो। अच्छा। अभी अभी छठवी आ रही। अच्छा 5 मिनट 6 में? हां हां हां। चलो अगले साल खूब गड़ल बोलो ना मी दे। हां गड़विल बहुत बोल। अब वो क्या कहते हैं बोर्ड हो गए 5 के? अच्छा 5 बोर्ड हुई है, मतलब 5वीं? हां एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड? अरे हम तो उत्तराखंड बोर्ड वाले जो है। हां उत्तराखंड। चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आप को ठीक छ। हां ठीक, चलो बाय कर दो सबको। बाय। चलो अब दुया मतलब देवी विदर्शन होएगी ना, और भोलेनाथ जी से भी आपसे मिला है। तो अब आ गया पुड़का नंबर, पापी पेट का सवाल। क्या पका है आज? आज पकी हुई चीज ये बनाए जो खूबसूरत पूरी, पूरी है फर्स्ट क्लास। एक बात इन तरफ जीवन हाल भेजी को इन तरफ यो काजू के बादाम के आपको फर्स्ट क्लास इबन हलवा ये है ना, इन अभी मतलब भोग छियो ई भी हलवा ही छे दगड़ मार से मिल जाल खूबसूरत छे। ये देखो फर्स्ट क्लास ये झोल झोल आलू आलू झोल अगरे भी इतना शानदार दिखेणी अभी खायत नहीं छे। तो चलो अब भंडारा शुरू हो गया, तो दिख दसो को खाना जिन फिर हम भी खोला। तो जय शंकर की, चलो फिर। तो अभी ना तरफ भंडारा चने लेंगे चाह, तो एक हम मिलने खूबसूरत सी भेजी। तो भेजी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जान चोल, आपका सुबिस्तान जान चोल। हाँ मैं दीपक सुंदरियाल छो। अच्छा। ग्राम नोवा कमंदा बटेगी। अच्छा हाँ आज हमारे जो चाह भंडारा होना चाह,
और दुई दिन जो चे यो कार्यक्रम रहता और 7 और 8 गति जेट हुए जो माँ भगवती जो यख मेला का आयोजन होता। और ये अवसर पर हमारा बड़ा भाई साहब संजय गंसाला जी अपना ये बार जो भंडारा आयोजन करना चाहिए ना, और माता कमंदा देवी और यखम शिव शंकर जी जो चा द्वि विराजमान छी ना, और यखम आज भंडारा आयोजन छे। तो एक छोटी सी जानकारी और चाह में कि ये जो मंदिर खूबसूरत है जो कत्यूरी शैली में बने हुए लगभग, हाँ। तो ये एक विषय में थोड़ा बता देना आप। असली में ये एक बार में इंचा कि यू विनोद घनसाला जी छी हमारा फूफू का लड़का, और यून जो छे ये थे ऊँक माँ को मैं तो चाह तो बड़ो विचार छा कि यार ये मंदिर को चूँकि वो हमारे गाँव नज़दीक में भी छी ना, तो गाँव भी हम दौड़क च माध्यम से मतलब हाँ आपका चैनल थे मैं शुभकामना प्रदान करूँ दो, और आप दिन दुगनी रात चौगनी आपका चैनल थे लोग दिखी बहुत ज़्यादा दिखी, और इन बच्चों को मेहनत जे तरह से मैं जरूर चाहूँ कि लोग ऐसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी संस्कृति से जुड़े आ रहे हैं। और जो भी आज को ये बहुत बड़ो एक आयोजन होता, और ये मैं दीदी भूली अपने दिशा ध्यान लोग आने ना अपने दीदी भूली यखम मिलता छे ना, और उनके खुद मिटंदा और वो अपना गांव का अपने बहनों थे भिटेगी अपना भाइयों थे मिली के आने ना, और ये त्यौहार थे मना एक जन देना बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चार आप लोग जी थे सूट करना चाहिए, मैं आप थे बहुत बहुत बधाई दूँ, धन्यवाद। इना तरफ जुड़ गई दीदी और दीदी का दीदी पूरा परिवार जो सब उतर मिलेगा ना भंडारा करवाए और भंडारा आयोजन करवाए, तो सबसे पहले दीदी हार्दिक शुभकामना और दीदी प्रणाम। भैया बहुत बहुत प्रणाम आप लोग सब्जियों को मतलब इतना आप सब यानी एक भंडारा खाणु थे सुबह बटी मतलब भीड़ ही लगी आई छ लोग सब बहुत अच्छी लगी आप लोग भी आया की मन की लगा फिर भंडारा कराना चाहूँगा भंडारा बस मन माए नहीं आएगी कि तू करवा देना थोड़ा अच्छा, मतलब भक्ति भाव से भक्ति भाव से अच्छा, तो की जगह रहो आप हम दिल्ली रहना और गांव हमारी यखी छ अच्छा ससुरास को ससुरास मेरी यही छ नौगांव का मंदा मैं तो मेरे पौड़ी छ पौड़ी के गांव पौड़ी सितोंसु कांडा अच्छा सितोंसु कांडा हां कोट ब्लॉक कोट ब्लॉक में चलो बढ़िया बहुत अच्छे लगा थे और भगवत माँ भगवती और भोले बाबा जी आप परिवार थे सुख समृद्धि धंधा ने रखे और दीदी बता देना आप थे यूट्यूबर से जरा चैनल नाम बोल दिया अपने मीनू घनशाला तो आप थे हर चीज में तरक्की दिया अदागड़ मानते भी हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो चैनल को मेरे सपोर्ट करना मीनू चलो तो बोल दो जरा हर हर महादेव हर हर महादेव नमस्कार नमस्कार तो सबसे पहले आप तो प्रणाम हाँ जी आप तभी प्रणाम सबसे पहले आपको मेरा नाम जान चलो मेरा नाम छ लता भट्ट लता भट्ट कन लगणो या को थे मैं बहुत सुंदर लगणो छ और हम बहुत खुश यहाँ छो और फिर माता रानी से हम जो प्रार्थना करना जो कि अगले साल हमते माता फिर बुलाएं और ये प्राकृतिक नजारा देखी हम अत्यंत खुश हुए तो यू बच्चा जी यू आप बच्चा जी हाँ जी यू मेरी नाम से अरे तो आप अनगढ़ सिखाया ले थोड़ा बहुत अभी हाँ थोड़ा थोड़ा सीख गया लेकिन अभी मैंने कई 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 जगह मतलब मेरे बच्चों तो पूछ तो वहाँ से नरो नारायण सब मतलब गड़ो के आने लगी हाँ जी हाँ जी ये मेरा नौ नौ तेरी गारम गड़ो बच्चा आंधे यहाँ बजे से रेगुलर बुलन से मेरा बच्चा जर जर सीखन बैठ गया चलो जर जर ना आप कोशिश करें कि वो बहुत भविष्य में गड़ो नाम भी रोशन अग्नि कारक गड़ो भी सीखे ना हाँ जी गड़ो जो हमारे भाषा चीव है हम आगे बढ़ो ला अपने बच्चों तो सीखो ला और हम अपने देश गढ़वाल लग जो अग्नि विकास करने की कोशिश कर लो चलो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तो इन तरफ भी थोड़ा बहुत दुकान वगैरह लगी छे देख सकता और सबसे ज्यादा एक हम बिगड़ो बाजा तो मैं आपसे दिखा जो कु बाजा है ना तीन तरफ जो छुट्टा बुल्लो मिल छा है जो जय गढ़ देखने में खुश हो गया हूँ बहुत प्रयास करो जो अभी कितने साल के हो अभी मैं 12 साल का हूँ 12 साल के और भोपाल में रहते बचपन बैठे वकी पैदा हो हाँ वकी हाँ वकी पैदा भाई तो देख लो हाँ भोपाल में भोपाल में ही हुए ना पैदा ठीक है तो क्या करना है आपने हमारे गढ़वाली भाषा को क्या करना है आपने हमें गढ़वाली भाषा हमारी संस्कृत है तो सबको बोलनी चाहिए जिन बच्चों को नहीं आती उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप अब वो तो हमारी संस्कृत है तो हमें तो बोलना ही चाहिए है ना अब कोशिश तो करो आएगी नहीं तो चलो तो आप आइसक्रीम का एंजॉय लो और आपसे मिलते रहेंगे हम है ना हर बार आना ठीक है हर बार आएंगे आज अम्बे भवानी नाचे मेरे अंगना जगदम्बे भवानी नाचे मेरे अंगना रामा नाचे जय हो लक्ष्मण नाचे जय हो
रामा नाचे जय हो, लक्ष्मण नाचे जय हो, हनुमत चुटकी बजा के नाचे मेरे अंगना, आज अम्बे भवानी नाचे मेरे अंगना, जगदम्बे भवानी नाचे मेरे अंगना। ब्रह्मा नाचे जय हो, विष्णु नाचे जय हो, ब्रह्मा नाचे जय हो, विष्णु नाचे जय हो, लक्ष्मी साड़ी पहन के नाचे मेरे अंगना, आज अम्बे भवानी नाचे मेरे अंगना, जगदम्बे भवानी नाचे मेरे अंगना। तो इन अतरा भी देख लो बेजोर खूब मेहनत करना चाहिए ना, आज देखो जलेबी पूरा जो सुबह कंडी भरिया हुई है खाली, और इन तरफ देखो सब ग्राहक वेट करना चाहिए जलेबी बनने का। आज एक ब्लॉग आप देख कर लग, उम्मीद कर दो आप थे यू ब्लॉग भी जन और ब्लॉग था प्यार देना, ये ब्लॉग था प्यार दिला, तो अब निकल दो छो घर को और देर भी होनी है हम, तो मिल दो आप थे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।